सो वीवो वाई 16 को खरीदने वाले इंडिया में 11 लाख लोग हैं। सो इस फोन को किस वजह से लोगों ने खरीदा है वो आज की इस वीडियो में जानते हैं और पता करते हैं कि इस फोन में आखिर है क्या जो इतने लोगों ने परचेस किया है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम एक्सेसरीज की बात करते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज मिलते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर फोन देखने को मिलता है, उसके बाद आपको ट्रांसपेरेंट बैक कवर देखने को मिलता है जो कि एक अच्छे क्वालिटी में है, लेकिन आने वाले वक्त में ये अपना रंग तो बदलने वाला है। सो यहाँ पर एक एडेप्टर भी मिलता है जो कि यहाँ पर आपको 10 वाट का सपोर्ट करता है। साथ ही साथ आपको Type-A to Type-C केबल देखने को मिलता है, प्लस में यहाँ पर आपको सिम जेक्टल टूल देखने को मिलता है। सो इन सब को रखते हैं साइड में, बात करते हैं हम फोन की तरफ। सो इस फोन में आखिर क्या है जिसकी वजह से इतना खरीदा जा रहा है। सो सबसे पहले इसके हम डिजाइन की बात करते हैं, तो इसके डिजाइन की वजह से ही इतना सारा यहाँ पर इसका सेल हुआ है। तो इसके अंदर आपको बैक मटेरियल देखने को मिलता है, वो एक प्लास्टिक मटेरियल है, लेकिन इसके अंदर आपको जो टेक्सचर वगैरह है, जो यहाँ पर आपको लाइनिंग जो मिलता है, वो बहुत ही एट्रेक्टिव है और बहुत ही एक अच्छा फील देता है फ्लेक्सिप फोन का, ओवरऑल एक मतलब लोगों को यहाँ पर एट्रैक्ट करता है। तो इसके अंदर डिजाइन बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। सो ये एक बॉक्सी यहाँ पर फोन देखने को मिलता है, जो यहाँ पर इसका फ्रेम जो है वो भी प्लास्टिक आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल इसकी डिजाइन जो है वो बहुत ही अच्छा खासा यूज किया गया है। दिखने में तो खूबसूरत है ही, लेकिन ये दिखाने में कैसा है आइए पता करते हैं। सो बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इसके अंदर आपको IPS LCD यहाँ पर 6.5 इंच का आपको यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलता है। ओवरऑल इसकी कलर वगैरह की बात करें तो आपको कलर ठीक ठाक मिल जाता है, और अगर इसमें आप कंटेंट देखते हैं यानी वीडियोस वगैरह यूट्यूब पर देखते हैं तो इसका जो रेजोल्यूशन है वो 2160p में आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना ज्यादा हाई रेजोल्यूशन में देखते हैं तो आपको यहाँ पर स्क्रीन ड्रॉप देखने को मिलेगा, थोड़ी सी यहाँ पर लैग होकर के वीडियो चलती है। 1080p से अगर आप कम में देखते हैं तो ठीक ठाक आपको क्वालिटी देखने को मिलेगा, प्लस में आपको स्क्रीन वगैरह कोई भी लैग नहीं करेगा। तो आपको सपोर्ट तो फोन करता है लेकिन स्मूथली रन नहीं हो पाता है। तो आपको ओवरऑल डिस्प्ले जो है वो ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर फोन दिखने में भी अच्छा हो और दिखाने में भी अच्छा हो लेकिन चलने में अच्छा ना हो तो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। सो बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो इसका प्रोसेसर आपको मीडियाटेक हेलो P35 मिलता है जो कि 12 नैनोमीटर पर रन करता है। तो ये एक आपको बजट यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिलता है। सो अगर आप गेमिंग वगैरह खेलना पसंद करते हैं तो आप गेमिंग के लिए ये फोन नहीं है, आप दूसरे फोन के लिए देख सकते हैं, लेकिन अगर हम डे टू डे यूज के लिए बताएं तो ये बहुत ही अच्छा फोन है। और लास्ट में हम कंक्लूजन भी बताएंगे कि किन यूजर के लिए ये फोन टारगेट करता है, तो वो आखिरी में हम बताएंगे। तो जरूर आप एंड तक वीडियो के बने रहिएगा। सो इसके अंदर आउट ऑफ बॉक्स आपको एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट मिलता है, तो लेकिन जिस तरीके से वीवो और शाओमी वगैरह की आदत है कुछ साथ में आपको अपने फ्रेंड लोगों को भी भेज देना, तो यहाँ पर हमेशा भेजते रहता है, लेकिन अगर हम इसे भगाना चाहें तो इजिली भगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यूनिस्टोर है, चल निकल पतली गली से। तो फोन लेने के बाद अपना मुखड़ा न ले, ये कैसे हो सकता है। सो बात करते हैं अब हम कैमरे की। सो इसके अंदर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो बैक साइड में आपको मिलता है। सो प्राइमरी कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है 2.2 एपर्चर के साथ, और इसी के साथ आपको 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है। तो ये मिलता है आपको 2.4 एपर्चर के साथ। सो अगर हम प्राइमरी कैमरे से वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080p 30fps के साथ आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो अगर हम इसकी फोटोज की बात करें तो यहाँ पर हम फोटो भी क्लिक करके दिखाते हैं कि आपको किस तरीके से आता है। सो यहाँ पर हम बैक कैमरे को ओपन करते हैं और यहाँ से हम इनडोर में फोटो को क्लिक करते हैं। सो यहाँ पर करते हैं क्लिक, तो जो इसके अंदर फोटो देखने को मिलता है वो ठीक ठाक यहाँ पर इंडोर में है, फ्लैश लाइट के साथ लिए है। तो ओवरऑल इसके डिटेल की बात करो तो डिटेल ठीक ठाक देखने को मिलता है। तो नाइट में लेने की वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत बैकग्राउंड में नॉइज देखने को मिल रही है, तो ये अगर आप डे में यूज करते हैं ठीक ठाक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं फ्रंट कैमरे की ओर, तो यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलता है, तो ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इसके फ्रंट कैमरे से, लेकिन 5 मेगापिक्सल है उतना में आपको किस तरीके से फोटो निकाल के देता है वो भी हम यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं, टेस्ट करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं फ्रंट कैमरे की ओर, इनडोर ही में आपको यहाँ पर फोटो क्लिक करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर डिटेल है। तो करते हैं फोटो क्लिक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसके अंदर आपको फोटो देखने को मिलता है
वो ठीक ठाक है, डिटेल थोड़ी सी यहाँ पर मिसिंग है, ज्यादा आपको डिटेल देखने को नहीं मिलता है, थोड़ा सा ब्लरी फोटो है। तो अगर आप डे में फोटो को क्लिक करते हैं तो ठीक ठाक मिलता है, और अगर आप स्नैपचैट यूज करने वाले हैं तो आपके लिए तो मेगापिक्सल मैटर ही नहीं करता है। स्नैपचैट को ओपन कीजिए, डायरेक्ट इंस्टा पर शेयर कीजिए, तो यहाँ पर कोई झंझट ही नहीं है। तो कर लिए क्लिक, लेकिन अब इसको रखे कहाँ, तो रखने के लिए चाहिए आपको मेमोरीज। तो बात करते हैं इसके इंटरनल स्टोरेज की, तो यहाँ पर आपको 4 GB रैम 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, जो कि स्टोरेज का यहाँ पर कोई भी झंझट नहीं होने वाली है। तो अगर आप 4/64 में आप अगर यहाँ पर परचेस करते हैं तो आपको 11,500 रुपये का मिलता है 4 GB रैम और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज। देखते हैं तो वो आपको 12,500 रुपया यानी 12,500 रुपया देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल सब कुछ आपको रहने के बावजूद अगर उसका पेट बड़ा ना हो तो उसको भूख बहुत ही जल्दी लगने वाली है। तो बात करते हैं इसके बैटरी की तरफ, तो यहाँ पर आपको 5000 का बैटरी देखने को मिलती है, और इसके अंदर चार्जर जो है वो 10 वाट का चार्जर मिलता है। सो बैटरी आपको ठीक ठाक है, डे टू डे यूज के लिए आपको एक दिन आराम से निकाल लेगा। अगर वही हम चार्जर की बात करें तो अप्रोक्स आपको 1.5 से 2 घंटा, मैक्सिमम आप 2 घंटा यहाँ पर चार्जिंग टाइम लेने वाली है, तो ये थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपको बैटरी वगैरह में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिलती है। सो बात करते हैं अब इसकी कंक्लूजन की थी, किसे इसको परचेस करना चाहिए, किसको परचेस नहीं करना चाहिए। सो ज्यादा हेवी यूजर नहीं है, जैसे आप वीडियोज वगैरह देखना पसंद करते हैं, थोड़ी बहुत फोटो ले लेते हैं और यहाँ पर कॉलिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब चलाते हैं, तो आपको नॉर्मल यूजर के लिए आपको ठीक ठाक है। डिजाइन भी आपको अच्छा खासा मिलता है, जो कि डिजाइन एक थोड़ा सा इसका एट्रैक्टिव है, तो ये आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गेमिंग वगैरह खेलना पसंद करते हैं, फोटोग्राफी भी पसंद करते हैं, कि आपको क्वालिटी अच्छा खासा चाहिए फोटो और वीडियोस के लिए, तो आप ये फोन आपको वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है। सो अगर आप नॉर्मल यूज के लिए लेना चाहते हैं तो अप्रोक्स ले सकते हैं। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।